फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य चैनल। हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ जन सम्राट राष्ट्र। मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र ने कमेंट बॉक्स में पूछा यूट्यूब के कि सबसे ज्यादा अर्निंग वाले कौन से स्पेशलाइजेशन हैं एमबीबीएस के बाद, वो आप हमें बताएं और आगे 5 साल तक भी सीनियरों को ध्यान में रखते हुए। तो क्योंकि मैं जो लोग मुझे जानते हैं, नहीं जानते तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं एमडी पीडियाट्रिक्स हूं और एलर्जी स्पेशलिस्ट हूं, और पिछले 2002 में मेरा एमडी कंप्लीट हुआ था और उसके बाद फेलोशिप वगैरह। मेरे साथ ही कई डॉक्टर्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं, यूएस में, यूके में, भारत में, बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे कई फ्रेंड्स और अलग अलग ब्रांचेस के डॉक्टर हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंस को लेते हुए मैं ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट, जो कि सोशल मीडिया पर अभी तक कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं बताई गई, वो आपको बता रहा हूँ। तो नंबर वन जो अर्निंग ब्रांच है आज के सिनेरियो में और आगे भी कुछ सालों तक रहेगी, वो है यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं। यूरोलॉजिस्ट करते क्या है? मैं सारे ब्रांचेस का आपको छोटा छोटा कैसे बनते हैं वो, उनकी रफली अर्निंग कितनी होती है, और कुछ यदि परेशानियां हैं उसमें तो वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एमबीबीएस करने के बाद, जो कि 5.5 साल का कोर्स है, 3 साल एमएस करना होता है, जो कि एक और एंट्रेंस के बाद होता है, नीट की तरह। नीट एंट्रेंस ही होने लगे आजकल पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो उसके बाद वो 3 साल एमएस करते हैं। 3 साल एमएस करने के बाद उनको एक और एंट्रेंस देना होता है, वो है एमसीएच का एंट्रेंस। एमसीएच में यदि उनकी रैंक अच्छी आती है तो उनको यूरोलॉजी मिलती है, क्योंकि यूजली ये टॉप पर उठती है ये ब्रांच एमसीएच में। तो 5.5 साल एमबीबीएस, 3 साल एमएस और फिर 3 साल एमसीएच, फिर से ट्रेनिंग लेनी होती है। तो आप सोचिए कि कितना लंबा पीरियड पढ़ाई है, बशर्ते कि आप सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते जा रहे हो। तो लेकिन जैसे मैंने बताया, इन सभी ब्रांचेस में, मेडिकल फील्ड में, स्पेशलाइजेशन में, एमएस करते हुए भी आपको 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का स्टाइपेंड मिलता है, और हॉस्टल में एकोमोडेशन डिसेंट सा मिल जाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 50,000 से 1,00,000 जो मैंने कहा, वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टाइपेंड। इसी तरह से जब एमसीएच आप कर रहे होते हैं या डीएम कर रहे होते हैं, तब भी आपको तकरीबन 70,000 से लेकर 1,00,000 या उससे थोड़ा ज़्यादा स्टाइपेंड भारत के विभिन्न राज्यों में मिलता है। तो आप पढ़ते हुए भी, डिग्री लेते हुए भी अर्न कर रहे होते हो। तो एमसीएच यूरोलॉजी जो होते हैं वो कितना अर्न करते हैं और ये क्या करते हैं? एमसीएच यूरोलॉजी जैसे प्रोस्टेट, जितने भी वृद्ध हैं उनकी प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाती है बहुत लोगों की, तो उसको निकालना पड़ता है, तो वो एक स्कोप के थ्रू निकालते हैं ये लोग। देन किडनी स्टोन्स बहुत कॉमन है, तो बड़े स्टोन्स या उसकी जो लेज़र से पद्धति होती है, या फीमेल्स में बहुत सारी किडनी से संबंधित या ट्रैक से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर होते हैं मेल्स में, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इसके डॉक्टर्स बहुत कम हैं इंडिया में। तो आमतौर पर ये कितना कमाते हैं? आमतौर पर इनकी स्टार्टिंग अर्निंग 4,00,000 से स्टार्ट होगी, 4-5 लाख से, और ये जल्द ही अराउंड 10-20 लाख रुपीस मंथ कमाने लगते हैं, खासकर ये खुद का काम कर रहे हो तो, किसी का मतलब एक हॉस्पिटल में बस एक सैलरी ना ले रहे हो तो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो जैसे। और ये अर्निंग में जो 10-20 लाख पर मंथ बोल रहा हूँ, ये उनके अपने हॉस्पिटल ओनरशिप की अर्निंग नहीं है, जो कि वो बिना हॉस्पिटल के एक इंडिविजुअल की तरह जब अर्न कर रहे होते हैं वो इतना अर्न करते हैं, ठीक है। तो यूरोलॉजिस्ट। देन दूसरे नंबर पर मैं रखना चाहूँगा इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो आप एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी सुनते हैं, वो ये जो हार्ट की से संबंधित प्रोसीजर करते हैं, लेकिन ये हार्ट सर्जन नहीं होते, ठीक है, ये मेडिसिन साइड के विशेषज्ञ होते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? एमबीबीएस के बाद 3 साल एमडी, उसके बाद 3 साल डीएम, हर स्टेज पर एंट्रेंस टेस्ट होगा, और सेम एमएसएमसीएच का मैंने स्टाइपेंड वगैरह का आपको बता दिया। डीएम के बाद भी इनको 1 से 2 साल के फेलोशिप और करनी होती है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी सीखने में, क्योंकि डीएम कार्डियोलॉजी के बाद बहुत सारा जो एक्सपीरियंस जो होता है वो नहीं ले पाते हैं ये लोग इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मीन्स जहाँ आप इंटरवेंशन कर रहे हो किसी चीज़ को ठीक करने का। तो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट की अर्निंग, स्टार्टिंग अर्निंग अराउंड 5 लाख पर मंथ, 3-5 लाख पर मंथ से लोग स्टार्ट करते हैं, और ये लोग भी 10-15 लाख पर मंथ तक अपने स्किल अकेले पर, अपनी हॉस्पिटल ओनरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, यूँ तो फिर हॉस्पिटल ओनरशिप में डॉक्टर त्रिहान जो है वो एक कार्डियोथोरेक्सिक सर्जन है जो कि एमसीएच है, वो अब्रॉड से
तो उनकी अर्निंग एमसीएच, तो वो उनका कुछ और फॉरेन डिग्री है, तो उनका जो अर्निंग है उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल के, बड़े कॉरपोरेट के ओनर हैं, तो उनकी अर्निंग अलग है। तो मैं ओनरशिप की अर्निंग हॉस्पिटल की नहीं इसमें गिन रहा हूँ इन प्रोफेशंस में, क्योंकि वो तो बिजनेसमैन की अर्निंग होगी, क्योंकि हॉस्पिटल ओनर मतलब होना बिजनेसमैन, और कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल खोल सकता है यदि वो डॉक्टर नहीं भी है। तो मैं डॉक्टर्स की स्किल पर बोल रहा हूँ। साथ ही साथ मैं एक मैं बात बता दूं कि स्टूडेंट्स हमेशा डॉक्टर में सेवा भावना से आई है। अर्निंग इसका बाय प्रोडक्ट है, सेवा भावना का, आपकी स्किल का। आपने जो इतने साल पढ़ा, इतना सीखा, इतना रिस्क लेते हैं, आप दिन रात काम करते हैं, उसका आपको रिटर्न मिलता है। और बता दूं कि इंडिया में सबसे कम प्रोसीजर कॉस्ट है डॉक्टर्स की, वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सबसे कम, बावजूद इसके क्योंकि इतना पॉपुलेटेड कंट्री है तो अर्निंग होती है। तो और डॉक्टर्स उस हिसाब से जो स्पेशलाइज डॉक्टर्स हैं इसके कम है। तो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। तीसरे नंबर पर मैं रखना चाहूँगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो कि आँख का इलाज करते हैं, एमबीबीएस के बाद इनको 3 साल का एमएस करना होता है। लेकिन ऑप्थेल्मोलॉजी में एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें पीक अर्निंग करोड़ में है, मतलब, और अपना खुद का हॉस्पिटल होना जरूरी है। अदरवाइज इसमें जॉब तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के मिल सकते हैं एक अच्छे सर्जन को, ऑप्थल्मिक सर्जन को, बट वो भी मुश्किल है। सेचुरेशन बहुत है ऑप्थल्मोलॉजी में, और सब लोग अच्छे सर्जन नहीं होते। तो 100 में से 4-5 लोगों को सक्सेस हासिल होती है, बाकी लोग बहुत बुरे हालत में होते हैं। तो ऑप्थल्मोलॉजी में ये प्रॉब्लम है क्योंकि सेचुरेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो टॉप पर होते हैं उनकी अर्निंग 2-3 करोड़ रुपए महीना तक होती है, यदि उनका एक छोटा हॉस्पिटल है तो भी, क्योंकि इसकी सर्जरी बहुत जल्दी हो जाती है। जो एक्सपर्ट सर्जन होता है फेको वगैरह, वो 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट में खत्म कर देता है। तो एक एक दिन में लोग 10 से 15 सर्जरी तक कर डालते हैं, तो इस वजह से लोग इतना अर्न करते हैं। लेकिन पीक अर्निंग का 100 में से 2, 3, 4, 5 लोग करेंगे, बाकी लोग एवरेज या बिलो एवरेज अर्निंग पर रहेंगे। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के बाद मैं आता हूँ चौथे नंबर पर डर्मेटोलॉजिस्ट। जैसे जैसे लोगों में प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, सुंदरता के प्रति मोह बढ़ रहा है लड़के लड़कियों में, तो स्किन के लिए बहुत कंसर्न हो रहे हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो है उसके क्लिनिक पर हमेशा बहुत भीड़ होती है। साथ ही साथ में बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं हेयर की, कई उनका, क्योंकि ये हेयर ग्रोथ को भी देखते हैं लोग, हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह को भी देखते हैं, साथ में स्किन ग्लोइंग के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं आजकल, लेज़र वगैरह भी आ गए हैं कई दाग धब्बों को मिटाने के लिए। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की मदद से वो काफ़ी अर्न करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोसीजर्स भी इन्वॉल्व हो गई है, और इनकी अर्निंग जो होती है वो 3 लाख से स्टार्ट होकर 15 लाख रुपए महीने के बीच में होती है डर्मेटोलॉजिस्ट की। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो, यदि वो सिर्फ जॉब कर रहे हैं तो फिर 70,000 से 1 लाख रुपए का जॉब किसी भी डॉक्टर को मिलता है, सिर्फ जॉब यदि वो कर रहे हैं गवर्नमेंट वगैरह में तो। लेकिन अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वो इतना अर्न करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको एमबीबीएस पहले करना होता है, इसके बाद 3 साल एमडी करनी होती है। एमडी में प्रवेश नीट एंट्रेंस के थ्रू होता है, ठीक है। तो अब डर्मेटोलॉजिस्ट के बाद हम आते हैं हाइएस्ट अर्निंग में, मैं लेना चाहूँगा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो कि एंडोस्कोपीज करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, पेट के उधर रोगों को डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं। इनके गैस्ट्रिक सर्जन अलग होते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अलग होते हैं। गैस्ट्रिक सर्जन भी बहुत अच्छा अर्न करते हैं, पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की अर्निंग की पॉसिबिलिटी कहीं ज़्यादा होती है, और इनकी संख्या भी रिलेटिवली जितना पेट में जितनी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, लिवर में, पेट में बहुत सारे अंग हैं ना, इंटेस्टिन है, किडनी है, लिवर है, तो स्प्लीन है, तो वो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होने पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है इनकी अर्निंग, यदि पीक अर्निंग बोलूँ तो 1-2 करोड़ रुपए महीना तक कमाने वाले लोग भी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल बेस से। लेकिन हॉस्पिटल की अर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आमतौर पर ये लोग 2 से 4-5 लाख रुपए महीना इजीली कमाते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट? एमबीबीएस 5.5 साल, 3 साल एमडी, फिर 3 साल डीएम। तो ये हो गया गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। अब हम आते हैं अगला जो सर्वाधिक अर्निंग वाला प्रोफेशन इसमें है, वो है लैप्रोस्कोपिक सर्जन। लैप्रोस्कोपिक सर्जन आम सर्जन होता है जो कि एमबीबीएस के बाद एमएस करता है 3 साल, लेकिन लैप्रोस्कोपी की अलग से ट्रेनिंग लेता है वो 1 साल, 6 महीने, 2 साल जैसे भी, और वो कुछ गॉड गिफ्टेड भी रहते हैं कुछ लोग, बहुत अच्छे सर्जन। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जन जैसे इंडिया में टॉप मोस्ट है, हमारे जबलपुर मेडिकल कॉलेज से ही पढ़े हुए थे डॉक्टर प्रदीप चौबे, तो इन लोग की अर्निंग भी करोड़्स में होती है यदि वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं। तो
अदरवाइज आमतौर पर लैप्रोस्कोपिक सर्जन अराउंड 3 लाख 4 लाख जो मिडिल सिटीज छोटे सिटीज़ में होते हैं ये आराम से अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन पीक अर्निंग करोड़ में तक जा सकती है। तो ये हुआ लैप्रोस्कोपिक सर्जन। अब हम आते हैं अगला पॉइंट ले लेते हैं रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट की सैलरी बहुत अच्छी होती है, अर्निंग पीक अर्निंग करोड़ में नहीं जाएगी जब तक उनका खुद का सीटी स्कैन सेंटर एमआरआई सेंटर वगैरह ना हो। और ये तो मैं क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ओनरशिप का मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ क्योंकि वो तो एक बिजनेस है, वो कोई भी खोल सकता है सेंटर। लेकिन उनकी स्किल पर उनकी सैलरी अच्छी होती है जो कि 1.5 लाख से स्टार्टिंग होती है, आमतौर पर 1.5 लाख से 3 लाख रुपये तक होती है, और फ्रीलांसिंग से भी ये लोग अर्न कर रहे होते हैं रेडियोलॉजिस्ट। फिर आता है न्यूरोसर्जन्स। न्यूरोसर्जन्स में भी सैचुरेशन बहुत है, छोटे मिडिल सिटीज तक में न्यूरोसर्जन्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई, तो नए न्यूरोसर्जन्स को थोड़ा स्ट्रगल बढ़ गया है, इसलिए उनकी अर्निंग 3 लैक्स 2 लैक्स के अराउंड है। लेकिन जो टॉप मोस्ट जो काफ़ी हिट हो चुके हैं न्यूरोसर्जन्स, उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, 20 लाख से 25 लाख 30 लाख रुपये महीना तक हो सकती है न्यूरोसर्जन की। काफ़ी हार्ड वर्क है न्यूरोसर्जन बनने में, क्योंकि MBBS 5.5 साल, फिर 3 साल MD, फिर ग्रिलिंग 3 साल MCH के लिए बहुत हार्ड वर्क के साथ उनको सीखना पड़ती है ये सर्जरीज, और उसके बाद वो लोग मार्केट में आते हैं लोगों को हील करें और अर्न करें इतने साल की पढ़ाई के बाद। और वो काफ़ी ग्रिलिंग पढ़ाई होती है, काफ़ी मेहनत, फिजिकल लेबर भी बहुत होता है न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन के बाद मैं रखूँगा न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट में सारे न्यूरोलॉजिस्ट बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे होते हैं क्योंकि इसमें भी सैचुरेशन बढ़ रहा है, खासकर नए लोगों में। लेकिन जो लोग पुराने हैं, जम चुके हैं, उनकी अर्निंग भी काफ़ी अधिक होती है। मैं ये जो भी अर्निंग बोल रहा हूँ ये प्रोफेशनल अर्निंग जो कि स्किल बेस्ड, किसी भी करप्शन मनी या हॉस्पिटल की अर्निंग को मैं नहीं जोड़ना चाहूँगा, प्योर एंड प्योर जो उनका लीगल मनी है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट में बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट कुछ सीटी स्कैन MRI वगैरह के कमीशन वगैरह भी लेते हैं जो कि गलत मानता हूँ, और तो ये इस तरह से, ठीक है। अब आते हैं, मैं रखना चाहूँगा ऑन्कोलॉजिस्ट को। ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कैंसर के विशेषज्ञ होते हैं, कैंसर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इस वजह से इनकी अर्निंग, इनकी ज़रूरत, इनकी संख्या कम है, तो इनकी अर्निंग जो होती है 3 लैक्स to 7-8 लैक्स पर मंथ तक ये लोग इजीली अर्न कर रहे होते हैं। मैंने एक चीज छोड़ दी थी, वो है हाईली अर्निंग प्रोफेशन में, वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करता है, खासकर डायबिटीज, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम। आप जानते हैं कि इंडिया जो है वो हब है, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स भारत में होते हैं, लगभग हर 4 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज़ होने वाला है 2025 तक, ऐसा एस्टिमेटेड है। और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस भी ढेर सारे लोगों को हो रहे होते हैं, और तो इसलिए डायबिटीज, और ये लाइफ लॉन्ग की डिसीज़ है, क्योंकि तो इनके जो डॉक्टर्स होते हैं इनके पास भीड़ बहुत होती है, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ग्रोथ हार्मोन की प्रॉब्लम, हार्मोनल सेक्सुअल हार्मोन्स की प्रॉब्लम, इस तरह की कई प्रॉब्लम्स के लोग डील कर रहे होते हैं। इनकी अर्निंग भी 10-15 लाख पर मंथ तक होती है ये लोग यदि आसानी से जम जाते हैं तो, और जम ही जाते हैं क्योंकि बहुत सैचुरेशन नहीं है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बहुत कम है। तो दोस्तों ये थी जानकारी अर्निंग के विषय में डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के। आप लोग में से कोई क्यूरियस यदि है कि मेरी जो ब्रांच है पीडियाट्रिक्स, और मैं एलर्जी में काम करता हूँ, तो पीडियाट्रिक्स जो है वो लगभग 22 ऐसे स्पेशलाइजेशन हैं मेडिकल फील्ड में, तो मैं इसमें 17-18 नंबर पर US में भी और इंडिया में भी काफ़ी पीछे अर्निंग के मामले में, लेकिन बावजूद उसके ये टॉप पर उठती है आज भी काउंसलिंग में। क्यों? क्योंकि पीडियाट्रिक में सम्मान बहुत मिलता है, बच्चों को हम लोग ट्रीट कर रहे होते हैं, फैमिली से हम लोग जुड़ जाते हैं, तो बहुत सारी फैमिलीज़ हम लोगों के पास आती हैं। इसमें अर्निंग कम है क्योंकि इसमें प्रोसीजर्स वगैरह नहीं, आपके हॉस्पिटल हो तो अर्निंग ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें रिस्पेक्ट, सम्मान, सुकून मिलता है, और इस वजह से मुझे पीडियाट्रिक्स अच्छी लगती है। तो अर्निंग और रिस्पेक्ट और फैमिली लाइफ का एक बैलेंस जब होता है आपको, तो वो बेस्ट लाइफ होती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ अर्निंग। तो अपना करियर इस तरह से सेट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।